तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों पर प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहने, हम आपके समक्ष रामायण का प्रसंग सीता हरण दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए सज्जनों, कहां से हम इसको शुरू करते हैं कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी पे निवास करने लगे हैं, तो इधर में रावण की बहन सुपर्णखा आकर के किस प्रकार से अपना जाल बिछाती है, ध्यान दीजिए। के पंचवटी रहने लगे राम लखन दो भाई, और सुपर्णखा रावण की बहन सो गई वहां पर आए। आज जैसे ही सुपर्णखा ने सुंदर रूप देखा है तो देखकर के रूप को मोहित हो जाती है और भगवान श्री राम के पास आई है, जो कि बंधु तपसी के भेष में हैं, धनुष बाण हाथ में हैं और सीता जी बगल में बैठी हैं। जाकर के जब सुंदर रूप बना के वहां पहुंची है तो आज मेरे श्रोता हो कहने लगी, अजी सुनो क्या बात है सुंदरी, क्या काम है हमसे? बोले काम तो आपसे बहुत जरूरी है, पहले मुझे ये बताइए ये कौन है आपकी? बोले ये हमारी अर्धांगिनी है, इनका नाम सीता है। अच्छा, तो अरे इस जगह पे इनको बिठा रखा है, उस जगह पे मुझे बिठा लीजिए और मुझे आप अपना लीजिए, देखिए हमारी तुम्हारी कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी। भगवान कहने लगे, सुंदरी मेरा तो विवाह हो चुका है लेकिन मेरे छोटे भाई हैं उनके पास चले जाओ। तो आज जो इतने शब्द सुने हैं तो लक्ष्मण जी के पास पहुंची हैं और इधर उधर लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, टहला लगा रहे हैं। जैसे ही पास में पहुंची, अजी सुनो क्या बात है, इधर आओ। क्यों? अरे आओ तो सही, देखो तुम्हारे भाई ने तो कह दिया कि मेरा तो विवाह हो चुका है लेकिन मैं आशा लगा करके तुम्हारे पास आई हूं, तुम मेरे साथ विवाह करोगे ना? लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं अजी मना मत कीजिए, मैं तो छोड़ आई, ए लक्ष्मण मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अरे मैं तो छोड़ आई हम्बे, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुंदरी आप लौट जाइए, जहां से आई हो वही चली जाइए, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेंगे। आय हाय आगे बढ़ी है सुपर्णखा, कहने लगी, अजी सुनो के महलऊ छोड़े तू, महलऊ छोड़े, 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 मैंने छोड़ो, मैंने छोड़ दियो लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। सुपर्णखा कहने लगी, अजी सुनो एक बार आ जाओ मेरे पास। बोले हम नहीं आने के। अच्छा फिर कोई बात नहीं आते हो तो मुस्करा दो। बोले ना ये तो हमने सीखा ही नहीं है, सुंदरी आप लौट जाओ। बोले मैं कैसे लौट जाऊं? के भैया वो छोड़े भतीजे वो छोड़े, भैया छोड़े भतीजे वो छोड़े, भैया वो छोड़े भतीजे वो छोड़े, भैया छोड़े भतीजे वो छोड़े, मैंने छोड़ो कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए।
अरे शादी तो करनी पड़ेगी आपको। लक्ष्मण जी बोली है कि आपकी जबरदस्ती है, अरे हम आपके साथ विवाह नहीं करेंगे। अरे मो संग प्यार चलो प्यारे, मो संग प्यार चलो प्यारे, मो संग विवाह चलो प्यारे। और क्या मैंने बिनती, मैं तो बिनती करूं बार बार, लक्ष्मण तेरे लिए मैंने छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। और कहने लगी है अजी सुनो, अरे शादी तो करनी पड़ेगी आपको। लक्ष्मण जी बोली है कि आपकी जबरदस्ती है, अरे हम आपके साथ विवाह नहीं करेंगे। अरे मो संग प्यार चलो प्यारे, मो संग प्यार चलो प्यारे, मो संग विवाह चलो प्यारे। और क्या मैंने बिनती, मैं तो बिनती करूं बार बार, लक्ष्मण तेरे लिए मैंने छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। हा हा खाऊं पड़ूं त्यारे पैया, हा हा खाऊं पड़ूं त्यारे पैया, हा हा खाऊं तन मन कियो बलिहार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। आज मेरे श्रोता इस प्रकार से क्या किया लक्ष्मण जी ने, अरे नाक काटी न कटी रे कर दीनी, पंचो सुनियो ध्यान लगा। नाक काटी न कटी रे कर दीनी, पंचो सुनियो ध्यान लगा। अरे रोती बोसे लाती भैया, खड़ा दूसन ढेंगा पहुँचिया। रोती और चिल्लाती भैया, खड़ा दूसन ढेंगा पहुँची जाए। ना कोई का लक्ष्मण जी ने काट लिए एकदम से, कहने लगी भाई भाई ओ भैया कट गई। ये कहती हुई चीखती हुई वहां से चल देती है खरदूषण के पास। इधर भगवान ने जान लिया कि निशाचर माया है, जानी नहीं जाती। तो देखिए आज अपना भैया से यानी लक्ष्मण जी से अलग होकर और सीता जी से कहने लगे हैं कि हे प्रिय एक काम करो। बोले क्या स्वामी, जब तक करूं निशाचर नाशा, जब तक करूं निशाचर नाशा, ए तब तक करो अग्नि में उबासा, तब तक करो अग्नि में बासा, तब तक करो अग्नि में बासा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में बासा ले जाओ, अपनी छाया को छोड़ जाओ। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश हो जाती, अपनी छाया को छोड़ जाती हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों अब देखिए इधर में खरदूषण के पास जब सुपर्णिका पहुंची तो क्या होता है। अरे भैया भैया कहे चिल्लाई, भैया सुनियो ध्यान लगाए। अरे दो तपस्वी देखो आए भैया, अरे उन्होंने न कटी दो जो बनाया। दो तपस्वी देखो आए भैया, बिनने न कटी दो बनाए। आज सेना को लेकर के और खरदूषण दोनों भाई अपनी बहन सुपर्णिका के साथ चल देते हैं। जैसे ही कुरूप देखा है तो
घर में लक्ष्मण को इशारा दिया, बोले भैया तैयार हो जाओ क्योंकि निशाचरों का दल आ रहा है। के पार चढ़ाए लो है लक्ष्मण ने, अरे पंचो सुनियो ध्यान लगाए, पार चढ़ाए लो अरे लक्ष्मण ने भैया सुनियो ध्यान लगाए, अरे खरदूषण सेना लेकर के पंचवटी पर पहुंचो आए, खरदूषण सेना लेकर के पंचवटी पर पहुंचो आए। हल्ला मच गयो आज जो भैया, अरे तुम तो सुनियो ध्यान लगाए, हल्ला मच गयो है मेरे भैया पंचो सुनियो अरज हमारा, अरे खरदूषण को आज जो भैया, अरे रामचंद्र ने दयो गिरा, अब ये गति देखी राक्षस दल ने अपने भागे प्राण बचाए, यह गति देखी राक्षस भैया अपने भागे प्राण बचाए, आज बंदो इस प्रकार से राक्षसों का वध किया यहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने। अब तो इधर में सुपरखा ने यह देखा कि खरदूषण को मार दिया है, ये तपसी तो बड़े बलवान हैं, अब मुझे अपने बड़े भ्राता के पास चलना चाहिए। तो आज बंधु वहां से चल करके वो रावण के दरबार में पहुंची है, जो कहा भैया ओ भैया, रावण कहने लगे कौन है, क्या बात है, किसकी कजा आ गई मेरे हाथों से जो तू की चीख रही है उसे बता। बोले भैया मेरी तो कट गई लेकिन अपनी संभाल के रखना। बोले कौन है वो जो कि तुझे इस प्रकार से कुरूप बना दिया है। बोले भैया पंचवटी पे दो तपसी आए हुए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, दशरथ के पुत्र हैं, उनके साथ में सीता है, राम लक्ष्मण उनका नाम है। तो आज मेरे बंधुओं इस प्रकार से उन्होंने कहा है, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, नंद नंदन घनश्याम भज मन श्री राधे। और कहने लगा कि बहन तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारी दुर्दशा हुई, अब मैं जाता हूं तपस्यों को देखता हूं। लेकिन उन्होंने कहा था कि अरे सुपर्णखा मेरे पास आई तू, क्या खरदूषण से नहीं बोला था तूने। बोले भैया मैं उनके भी पास गई थी, अपनी सेना को लेकर के वो पंचवटी आए लेकिन उन दोनों तपस्वियों ने उनको भी मार दिया। बोले अच्छा खरदूषण को मार दिया। बोले हाँ, अब तो रावण चकित हो जाता है, सोचने लगा क्या कि खरदूषण मौसम बल खरदूषण मौसम बल बनता मारि को सके बिना भगवंता, खरदूषण मौसम बल बनता मार को सके बिना भगवंता। आज बंधु इस प्रकार से जैसे ही सुना है तो आज मन में विचार किया और आगे के लिए चल देता है सोचता हुआ। तो आज अपने मन में युक्ति कमाई और दौड़ करके कहां पहुंचा है वो रावण, मामा मारीच के पास। मामा मारीच को जगाया रात के 12 बजे और कहा है कि मामा हमारी बहन सुपर्णखा को दो तपस्वियों ने आकर के पंचवटी पे और नकटी बना दिया है, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, कैसे भी हो
तुम जाकर के वहाँ ऐसा माया जाल रचाओ जो कि उस नारी का मैं हरण कर सकूं। तो आज बंधुओं सब कुछ बताया तो आज मामा मारी से समझ गया कि जगत पिता जगत जननी माता सीता यह पापी सोचता है कि उनका हरण कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं जाता हूं तो ये मुझे मार देगा, इसलिए यदि उनके ही हाथों से मैं मरूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। यह सोच करके मारीच ने अपने दिल में विचार कर लिया और हां करके वहां से चल देता है। तो बंधुओं इधर में पंचवटी पे जाकर के सोने का मृग बन के वो घूमने लगा है, इधर उधर फुदकने लगा है, तो सीता जी की जब निगाह पड़ी है सोने जैसी काया उसकी चमक रही थी तो कहने लगी है सीता जी, हे स्वामी देखिए ये सोने जैसा मृग है, यदि इसको मार के तुम मृगशाला लाएं तो कितनी शोभायमान होगी, हमारी कुटिया की शोभा बढ़ जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे प्रिय सीता कहीं सोने के मृग नहीं हुआ करते हैं, यहाँ निशाचर माया है जानी नहीं जाती। सीता जी कहने लगी स्वामी कि ऐसा मृग देखा न सुना और जैसा ये सुघड़ी सलो नहीं, देखो तो सर से पाम तल की सारा सोना ही सोना है। कहने लगी है हे नाथ खाल लाबो इसकी, कहने लगी हे नाथ खाल लाबो इसकी, इस कुटिया की शोभा होगी, हे नाथ खाल लाबो इसकी कुटिया की अब शोभा होगी, हे नाथ खाल लाबो इसकी, इस कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी, सोने के मृग की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। इस प्रकार से बंधुओं जो कहा है तो भगवान कहने लगे हैं कि प्रिय हमारा कहा मानो, क्योंकि सोने के मृग नहीं हुआ करते हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों आज देखिए इधर में सीता जी जिद पर जाती हैं और क्या हुआ है कि कितना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, लाबो जंदी मार मेरी मानो तो कही, कितना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, लाओ जल्दी मार मेरी मानो तो कही। और क्या भैया कैसा सुगरिये हिरन बना प्रभु ने दिखाई माया, कैसा सुंदर हिरण बनाया कैसी प्रभु ने दिखाई माया, अब कितना सुगर सलोना जरा देखो तो सही, लाओ जल्दी मार मेरी मानो तो सही। जिद पड़ गई है सीता जी तो मेरे भव प्रेमियों आज धनुष बाण भगवान हाथ में लेकर के कहने लगे हैं
कि मैं मृग मारनु जात हूँ। भैया लक्ष्मण के मैं मृग मारनु जात हूँ। सुनो लखन धर धीर जनक सुता के सामने सोचो कसुरैयो वीर। आज उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण मैं मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ और तुम यह कुटिया पे सावधान रहना। आज बंधु लक्ष्मण जी कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो देखिए आज क्या होता है के धनुष बाणों ले चले रघुराई बिया बाणों में पहुंचे जाई। धनुष बाणों ले चले रघुराई बिया बाणों में पहुंचे जाई। जटबान प्रभु ने ताना जरा देखो तो सही लाभो जल्दी पहुंची है तो आंखों में आंसू भर के कहने लगी रही है देवर क्या ये भयानक आवाज आपने सुनी। लक्ष्मण जी कहने लगे हाँ सुनी तो है लेकिन आप घबराओ ना माँ क्योंकि भगवान पे तो कोई संकट आ ही नहीं सकता है। सीता जी कहने लगी हैं सीता रोई रे सीता रोई रे राम को पुकार के राम नहीं आए अभी मेरे गा कुमार के राम नहीं आए अभी मेरी गा कुमार के सीता रोई रे राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के।
जग में हुआ मैं पराया, तेरी शरण में आया प्रभु जी, तेरी शरण में आया। आज कहने लगी है हो देवर, देखो ये भयानक बात तुम्हारे भाई की लगती है। जाबो जी जाबो मेरे लखन दिवारिया, अपने बिरनी की लाओ जी खबरिया। जाबो जी जाबो मेरे लखन दिवारिया, अपने बिरने की लाओ जी खबरिया। भनक परी है लक्ष्मणी, भनक परी है लक्ष्मण तुमको पुकार के, राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के। सीता रोई रे जी ने।
माता रहना बीच डार के राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के सीता यरोई रे लक्ष्मण जी रेखा खींच करके और आज अपने भाई के पास चलते हैं तो कहने लगे कि हे भाभी मैं जा तो रहा हूं आप नहीं मानती हो तो लेकिन कोई भी आवे यहां इस रेखा से बाहर कदम मत रख देना। बोले ठीक है देवर आप जल्दी जाइए और अपने भ्राता की सुध लेकर के जल्दी आइए। तो मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से लक्ष्मण जी वहां से रवाने हो जाते हैं और इधर में रावण तपसी का भेष बना करके और पंचवटी पे आ जाता है। जब कोई ने देखा है रावण ने तो अलख निरंजन की आवाज लगाई है और कहने लगा है अरे भेचा दीदे मुकुडा रे कि जोगी ठाड़ो तेरे द्वार अरे ठाड़ो तेरे द्वार के जोगी ठाड़ो तेरे द्वार भेचा दीदे मुकुडा रे के जोगी ठाड़ो जरूरी है तो आज जो कुछ फल फूल रखे थे थाल में उस मृग के चक्कर में किसी ने चाखे तक नहीं थे। कहने लगी सुने जोगी में बात बताऊं 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 कुटिया से बाहर नहीं आऊं कुटिया से बाहर नहीं आऊं जल्दी झोली अपनी कर दे भेजा तू में डार भेजा तेरे मोकुंडार क्या जो भी ठारो तेरे द्वार अरे ठारो तेरे द्वार जो भी ठारो तेरे द्वार भेजा तेरे मोकुंडार क्या जो भी ठारो सीता जी ने कहे तो रावण आगे को बढ़ा तो जैसे ही आगे को बढ़ा है तो एकदम से वो रेखा जो खींची थी आन लगी थी लक्ष्मण की उसमें से अग्नि दौड़ने लगी है। हाय हाय अग्नि का तेज देख करके रावण पीछे हट गया सोचने लगा कुछ दाल में काला लग रहा है। आज बंधुओं कहने लगे हैं किस प्रकार से मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता
मुझे रेखा से बाहर निकल के भेजा दो, अन्यथा मैं तुम्हारे दरबार से भूखा ही चला जाऊंगा। कहने लगे, हाँ भिक्षा बंधी मैं तेरी न लूंगा, भिक्षा बंधी न तेरी लूंगा, भूख प्यास से तन तज दूंगा, भूख प्यास से तन तज दूंगा। अरे रेखा से बाहर निक आके दीजो भिक्षा दार, भिक्षा छाड़ो तेरे द्वार के भिक्षा दीजे वो कूड़ारे। क्या होता है सुन सीता भारी घबराए, सुन सीता भारी घबराए, सुन सीता भारी घबराई, सुन सीता भारी घबराई। अरे रेखा से जब बाहर आई, रेखा से जब बाहर आई, अरे गोदी लई उठाई दुष्ट ने डारे बादर फार, बिचा दीजे वो कुदार। आज बंदो इस प्रकार से जैसे ही रेखा से बाहर निकली, एकदम से रावण असली रूप में आकर के और सीता जी को गोदी में उठा लेता है। एकदम से चीखने लगी, नहीं नहीं स्वामी ये क्या हुआ, हे लक्ष्मण ये क्या हुआ, जल्दी से आओ। रावण कहने लगा अब कोई नहीं आने का, वो तो दोनों के दोनों ही गायब कर दिए। कितना भी रोधन मचा सीते लेकिन अब कोई नहीं आने का, तो आज बंधुओ वहां से रथ में बिठाल करके और चल देता है। इधर सीता जी रोने लगी है, अरे सीता पंचू बटी पैरोवे लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंच बटी पे रोवे लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम राम, सीता पंच बटी पैरोवे लक्ष्मण राम राम राम। मेरे भवत प्रेमियों, रो रो करके सीता जी कहने लगी हैं के देवर की मैंने बात न मानी, देवर की मैंने बात न मानी, अरे आज दुष्ट ने कैसी ठानी, आज दुष्ट ने कैसी ठानी। जब से शरण तेरी आया जीवन समझ में आया, मुरझाए वो फूल खिले हैं खुद अपने से आज मिले हैं, जीवन में सुख पाया। मेरे बिगड़े सब ही काम लक्ष्मण राम राम राम, सीता पंच बटी पर रोब है लक्ष्मण राम राम राम। हे स्वामी तुम कहाँ हो, और क्या कहने लगी, कर रहा बड़ा दुष्ट मुझे लिए जाता, हमारा दुष्ट मुझे लिए जावे, अपना कोई नजर नहीं आवे, अपना कोई नजर नहीं आवे,
अब मैं देखूं चारों धाम लक्ष्मण राम 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 सीता पंचवटी पर रो गए लक्ष्मण राम 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 आज सीता जी कहने लगी है हे स्वामी यदि मैं देवर की बात मान लेती तो ये दिन मुझे दिखाने को नहीं आता लेकिन मैं क्या करूं करे करे ख्याल याद मोई आवे करे करे ख्याल याद मोई आवे अरे कौन पति को हाल सुनावे कौन पति को हाल सुनावे अरे आज देखो बिगड़ी त्यारी बाम लक्ष्मण राम 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 सीता पंचवटी पे रोवे लक्ष्मण राम 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 मेरा श्रोता हो इस प्रकार से सीता जी विलाप करती हुई चली जा रही हैं, रोए रोए नैनन नीर बहावे अरे आज देखो बिगड़ी त्यारी बाम लक्ष्मण राम 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 सीता पंचवटी पे रोवे लक्ष्मण राम 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 हुई चली जा रही हैं, रोए रोए नैनन नीर बहावे रोए रोए नैनन नीर बहावे अपना कोई नजर नहीं आवे अपना कोई नजर नहीं आवे अरे आज मेरो सुख गयो सब चाम लक्ष्मण राम 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 सीता पंचवटी पर रोवे लक्ष्मण राम 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 लेकर के रावण वहां से चल देता है लेकिन बंधु इधर में रोती चिल्लाती हुई चली जा रही अपने आभूषणों को एक एक करके वो जमीन पे डालती जा रही निशानी छोड़ती जा रही हैं। इधर में रावण आगे बढ़ा है तो क्या होता है के देखी रोवत सीता माता तो वीर जटाऊ आया है देखी रोवत सीता माता तो वीर जटाऊ आया है हो गया मार्ग पे रोक लिया रावण को वचन सुनाया है आज बंधुओं जैसे ही रोते हुए देखा है सीता जी को तो जो जटायु जो गीतराज थे दौड़ करके आ जाते हैं और रावण के मार्ग को रोक के खड़े हो जाते कहने लगे अरे दुष्ट रावण ठहर जा मेरे होते हुए तू सीता जी का हरण करके नहीं ले जा सकता है हे रावण दोस्त बता दे तू क्यों ऐसा पाप कमाया है जग की पालन हारी सीता को हर के तू दिखलाया है जग की पालन हारी सीता हर के दिखलाया है जगत जननी का हरण करके तूने जा रहा है जो जग की पालनहारी है तो जिनसे तूने बैर किया है वो जगत पिता हैं अरे दुष्ट रावण
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बंधुओं क्या होता है, रावण कहने लगा हट मेरे सामने से मुंह रखू, कोई अपने प्राण गंवाता है। क्या नाम सुना नहीं रावण का जो इतना तू इठलाता है। नाम नहीं जानता है जो कि आज मेरे सामने तू और इस चोंच को चला रहा है। अरे ओ पक्षी तू मेरा कर ही क्या सकता है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से रावण ने जो कहा है तो गी देख जब कहने लगा है वो जटायु। हे रावण मैं क्षत्रिय कुल का ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा, बेशक मेरे हाय प्राण जाए पर सीता को ना ले जाने दूंगा। आज बंदो इस प्रकार से रावण से युद्ध हुआ, रावण को यहाँ पराजय किया, सीता को थोड़ी देर के लिए जटायु ने दुबका दिया था। लेकिन बंधुओं इधर में जटायु को मांस से ज्यादा प्रेम था, तो इधर में रावण बुद्धिमान था, अपने मांस को काट काट के डालने लगा है। तो उसकी निगाह जब मांस पे हो जाती है तो तलवार से रावण परों को काट देता है और सीता जी को लेके वहां से चल देता है। राम राम कहता हुआ वो गीत वहीं पड़ा रह जाता है। तो इधर में ऋषिमुख पर्वत पर होकर जब गुजरते हैं तो बंधु उधर में सुग्रीव जी अपनी सेना के साथ में वहां बैठे हैं। तो आज पटों को डालते हुए सीता जी आगे विलाप करती हुई स्वामी स्वामी कहती हुई चले जा रही हैं। तो वो पट सुग्रीव की गोदी में जाके गिरा है और बड़े संभाल के सुग्रीव ने उसको रखा था। तो मेरे बंधुओं इधर में जब समुद्र पार लंका में पहुंच जाता है रावण तो अशोक वृक्ष के नीचे जाकर के सीता जी को ठहरा दिया है मेरे भगवत प्रेमियों। और इधर में भगवान श्री राम वापिस आ रहे थे तो इधर से भैया लक्ष्मण पहुंच जाते। जैसे ही लक्ष्मण को देखा है तो एकदम से राम घबरा गए, बोले भैया भैया लक्ष्मण ये क्या किया है आपने, क्या सीता को तुम कुटिया पर अकेले छोड़ के और चले आए, मैं तो तुमसे मने करके आया था। कहने लगे भैया मैं क्या करूं, भाभी ने मुझे मजबूर कर दिया था। आज बंधु दोनों प्राणी लौट करके जब पहुंचे हैं कुटिया पे सीता जी को न देखा है तो एकदम से विलाप करने लगी। ओ मेरी प्राणनी प्यारी, अरे कहां गई प्राणनी प्यारी, तकू चली गई सुकुमारी। अरे कहाँ गई प्राणन प्यारी, कि तकू चली गई सुकुमारी।
तू चली गई सुकुमारे। अरे रे मेरी प्राणन प्यारी चली गई सुकुमारे। अरे निशाचर माया फैलाए निशाचर माया फैलाई। अरे निशाचर माया फैलाई निशाचर माया फैलाई। समझ मेरे एक नहीं आई समझ मेरे एक नहीं आई। ओ भैया लक्ष्मण ये तुमने क्या किया। भैया मैंने तुमको कितना समझाया लेकिन तुम अकेले ही छोड़ के चले गए। ये क्या हुआ भैया। अरे कहाँ गई जनक दुलारी। अरे कहाँ गई जनक दुलारी किधर तू गई गई शोक हमारे। ओ हरे मेरी प्राणन प्यारी। अरे बिरन मैंने बहुत ही समझायो। बिरन मैंने बहुत ही समझायो। लखन मैंने बहुत ही समझायो। लखन मैंने बहुत ही समझायो। छोड़ी कर इकली तू आयो। 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 अरे भाई सब विदेश ख्वारी। अरे भाई सब विदेश ख्वारी के तक ओ चली गई शोक हमारे। रामचंद्र भगवान की yeah।